के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो एफ हम के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माई ट्रांसलेट एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, माई ट्रांसलेट एप्लीकेशन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन में आप किस तरीके से जो भी वॉइस ट्रांसलेट है किस तरीके से कर सकते हैं, वॉइस ट्रांसलेट आपको करना है तो, उसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आपको टेक्स्ट और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप कैमरा ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, सारी ए टू जेड जानकारी आज के इस वीडियो में आप जानने वाले। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और दोस्तों, आपको वीडियो कोई भी अच्छा लग जाता है तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, माई ट्रांसलेट एप्लीकेशन को आपको यूज़ करने के लिए ओपन करना है। ओपन करते ही कुछ इस तरीके से माई ट्रांसलेट एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। माई ट्रांसलेट एप्लीकेशन ओपन होती है आपके सामने एक छोटी सी एड दिखाई देंगी। बैनर एड को आपको देख लेना है। एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है बहुत ही सिंपल इंटरफेस दिखाई देता है। ऊपर की साइड में आप नोटिफिकेशन बार को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाई देगा माई ट्रांसलेट, जिसमें आप टेक्स्ट, कैमरा, वॉइस, मैसेजिंग और VPN का सर्विस आपको मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप कोई वॉइस ट्रांसलेट करना चाहे तो ये वाले माइक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको टैप माइक करना है। जिसे आप टैप करेंगे आपको माइक की परमिशन देना है। जिसे आप कर देते उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप परमिशन आइजिली तरीके से दे सकते हैं और यहाँ पर ओके करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी भाषा बोलेंगे उसको आपको सिलेक्ट करना है और जिस भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसी के साथ साथ VPN सर्विस भी आपको यहाँ मिल जाती है। अलग अलग VPN सर्विस, वर्ल्ड वाइड सर्वर आपको यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर वर्ल्ड वाइड पर आपको क्लिक करना है, ओके करना है। वो माई ट्रांसलेट यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जिस सर्वर को आप सिलेक्ट करेंगे उसका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। तो इनमें से आप जो भी सर्वर को यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। हिस्ट्री पर क्लिक करके जो भी आपने यहाँ पर ट्रांसलेट किया होगा वो सभी हिस्ट्री यहाँ दिखाई देंगी तो वो भी देख सकते हैं। फेवरेट वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर आपने जो भी यहाँ पर टेक्स्ट को फेवरेट में ऐड करके रखा होगा वो यहाँ दिखाई देता है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेटिंग, शेयर, ईमेल है, ईमेल सपोर्ट और प्राइवेसी पॉलिसी और अबाउट सेक्शन मिल जाता है। कैमरे पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कैमरा ट्रांसलेट मिल जाता है। सिंपली आपको कैमरा ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पर आपको भाषा सिलेक्ट करना है जिसमें भी आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले भाषा को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है कुछ इस तरीके से, जैसा यहाँ पर मैंने डाउनलोड कर ले रहा हूँ। तो इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप इजीली तरीके से कोई भी भाषा को यहाँ पर ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांसलेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप कोई गैलरी से फोटो लेकर भी ट्रांसलेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से माई ट्रांसलेट एप्लीकेशन काम करता है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब।